हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूँ सांत्वना और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ छोले की सर रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो छोले बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आप देख लीजिए। ये है जीरा, सरसों, स्वाद के अनुसार नमक, छोले। छोले को मैंने अच्छी तरीके से उबाल लिया है। अपने उंगली के बीच में आप मैश करके देखिए, अगर अच्छे से चने दब रहे हैं तो आपके चने अच्छे से उबल चुके हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, टमाटर का प्यूरी, दो टमाटर को मैंने पीसा है, आलू उबले हुए, और दालचीनी और तेज पत्ते, धनिया पाउडर, मिर्ची का पाउडर और हल्दी का पाउडर। तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी छोले बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने लिया है छोले मसाला, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कढ़ाई में तेल लिया और जीरा और सरसों ऐड कर दिया उसमें, फिर मैंने तेज पत्ता और दालचीनी ऐड कर दिया है इसमें। जैसे ही ये पक जाए थोड़ा सा, फिर हम उसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है, गोल्डन ब्राउन होते तक हम प्याज को अच्छे तरीके से भून लेंगे। जैसे ही प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर हम उसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर मुझे उतना पसंद नहीं है इसलिए मैंने अदरक का पेस्ट नहीं ऐड किया है। आप अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसमें, ये देखिए, मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। और इसके बाद में मैं इन्हें अच्छी तरह के तरीके से भून लूँगी। अगर लहसुन को आप अच्छे तरीके से नहीं भूनोगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। आप लहसुन को भी पहले अच्छे तरीके से भून लीजिए प्याज के संग में। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का प्यूरी। ये मैंने दो टमाटरों को अच्छे से साफ धोकर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और इन्हें मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। और इसका कलर देखिए अभी कैसा लग रहा है। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी, इसी समय मैं इसमें ऐड कर दूँगी हल्दी का पाउडर और मिर्ची पाउडर, और इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया, पिसा हुआ धनिया पाउडर। और इसके बाद आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए और इन्हें मैं अच्छे से भून लूँगी। इस पेस्ट को तब तक भूनना है जब तक ये अपना ऑयल छोड़ने ना लग जाए। इससे क्या होगा, हमारे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। और मसाले जब तक भुने नहीं होते हैं ना, तब तक उसका टेस्ट भी अच्छे से नहीं आता है। और यहीं पर मैं अपने टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसी समय डाल दीजिए और आप बाद में भी डाल सकते हैं, बट इस समय डालने से क्या फ़ायदा होता है हमको, जो हमारे मसाले हैं वो जल्दी पक जाते हैं। और मैं इसमें ढक्कन लगाकर अच्छे से पका लूँगी। ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से मसालों को भून लिया है। अब मसाले अपना तेल पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। अब इसी समय मैं इसमें एक उबले हुए आलू को ऐड कर दूँगी और जो मैंने चने उबाल कर रखे हैं उनमें से थोड़े चने मैं इसमें लेकर अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। इससे क्या होता है, हमारी सब्ज़ी की जो ग्रेवी होती है वो बहुत अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाती है। वरना छोले अलग और आलू अलग से और सब्जी की जो ग्रेवी होती है वो पानी पानी जैसे दिखती है, तो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं इसे अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। और इसके बाद में फिर मैं, ये देख लीजिए, ये मैंने अच्छे से मसल मसल कर इसे बिल्कुल पेस्ट के जैसे बना दिया है। और इसके बाद में फिर मैं इसमें एक आलू हाथ से ही बड़े बड़े टुकड़ों में फोड़ कर डाल दूँगी। ये देखिए, और जो मैंने चने उबाल कर रखे थे
वो भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया है इसमें, और इन्हें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लूँगी, लगभग एक कप के बराबर। नहीं, मैंने यहाँ पर इसमें वो छोले मसाले जो है ना वो मैंने ऐड किए, इसके बाद में फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखिए ये मैंने छोले मसाला ऐड कर लिया, फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दी हूँ। इसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और थोड़ी देर धीमी आंच में ढक्कन ढककर पकने के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ा पानी मैंने यहाँ पर और ऐड किया है क्योंकि जैसे हम सब्ज़ी बनाकर रख देते हैं, थोड़ी ठंडी होने के बाद सब्ज़ी अपने आप गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि हमने इसमें आलू और थोड़े से चने को मैश कर दिए थे, इसलिए इसकी वजह से क्या होता है सब्ज़ी ठंडी होने के बाद ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसलिए थोड़ा पानी मैंने ऐड कर दिया था। और ये कटे हुए हरे धनिए हैं, इसे मैंने लास्ट में ऐड कर दिया सब्ज़ी में। धनिया डालने से आपके सब्ज़ी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया धनिया और ये हमारे छोले की सब्ज़ी बनकर यहाँ पर रेडी है। और इसके बाद में मैं ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना सब्ज़ी और यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है और मैं कुछ पूड़ियाँ निकाल लूँगी। और मैंने वो दूसरे गैस में दूध गरम होने के लिए चढ़ा रखा था। ये देखिए यहाँ पर ये मेरी पूड़ी बनकर रेडी है। अगर आपको अच्छी फूली फूली पूड़ियाँ चाहिए ना तो तेल अच्छे से गरम होना चाहिए आपका। और ये देखिए मेरा पूड़ी बनकर यहाँ पर तैयार है और मैंने इसे यहाँ सर्व कर लिया है। और अब आप देखिए मेरे बेटे का रिएक्शन शिवांश का, बहुत यम्मी बनी थी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपको मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।